नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है कि एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष 6 महीने में स्वयं की 13/10 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर क्या है। ठीक है, हमें इसमें बताना है कि साधारण ब्याज की दर क्या है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमें निकालना है, क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर अगर हमें निकालना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है गुना माइनस 1/T गुणा 100। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पे हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो गुना कितने गुना हुई है, 13/10 गुना। तो 13/10 माइनस 1/T, टाइम कितना है, 2 वर्ष 6 महीने यानी कि ढाई साल। ढाई साल को कैसे ले सकते हैं, 5/2 और गुणा कर देंगे 100 का। इसको सॉल्व करेंगे, 10 एकम 10, 13 में से 10 जाएगा तो 3/10 बचेगा। वह 5/2 है तो इसको हम 2/5 लिख सकते हैं गुणा 100 करेंगे। काट देंगे, 10 से काटेंगे 10 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 12%। ठीक है, तो इस सवाल को आपको बड़े ही सिंपल तरीके से एक ट्रक वाली विधि से हमने आपको बता दिया। आप चाहें तो इसको लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे किया हमने, एक फॉर्मूला आप सीख लीजिए, तो रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो। जब रेट निकालना हो तो आर यहाँ रहेगा, जब टाइम निकालना हो तो टाइम यहाँ रहेगा, आर यहाँ रहेगा। ठीक है, तो आर बराबर गुना माइनस 1/टाइम गुणा 100। यहाँ पर गुना कितना हुआ था, 13/10 गुना, उसमें से एक घटा दिया, और टाइम क्या था, 2 वर्ष 6 महीने यानी 5/2 लिख दिया और सॉल्व कर दिया। तो आर की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई 12%। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।